नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। मैं आचार्य देवशंकर शास्त्री जी। आप श्रावण के वर्णन सुनेंगे। श्रावण के ऊपर मैं कहने जा रहा हूँ। 22 जुलाई से श्रावण शुरू हो रही है और श्रावण में किस चीज़ों का परहेज करना चाहिए, श्रावण में किस तरह से भगवान शिव की पूजा करना चाहिए और श्रावण के महीने में कैसे लोग बढ़ चढ़ के इस महीने के अंदर में भगवान शिव की पूजा पाठ करते हैं, मैं इसके ऊपर में आपको श्रावण के पूरी वर्णन बताऊंगा। श्रावण के महीने में इस बार सबसे पहले मैं कहने जा रहा हूँ, जो देखिए इस बार बहुत शुभ श्रावण महीना स्टार्ट होने वाला है और इस बार श्रावण में 5 सोमवार मिलने वाला है। हर बार 4 सोमवार मिलते हैं, इस महीने के अंदर में 5 सोमवार श्रावण का मिलेगा, जिसमें जो भी जातक जैसे भी पूजा पाठ भगवान शिव के करेंगे तो उनसे उनका बहुत तरह के चीज़ हल हो जाया करेंगे। श्रावण के महीने में शिव की पूजा बहुत ही अच्छा माना गया है। देखिए, जीवन में कभी भी किसी भी भगवान की देवी देवताओं की जो पूजा है वो हमेशा अच्छा ही माना जाता है, परंतु श्रावण का बहुत विशेष महत्व माना गया है। तो श्रावण के महीने के अंदर में भगवान शिव की पूजा कैसे करें, तो मैं अपने श्रेष्ठ भारत चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो श्रावण के महीने में शिव जी को अगर सिंपल जल भी अगर आप चढ़ाते हैं, शुद्ध जल भी अगर आप भगवान शिव पे चढ़ाते हैं, शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, तो बहुत अच्छा माना गया है। अगर आप उनके साथ में दूध, दही, शहद, घी, बूरा, शक्कर इत्यादि मिला करके भी अगर आप भगवान शिव जी पे चढ़ाते हैं, पंचा अमृत बना करके भी भगवान शिव जी पे चढ़ाते हैं, तो इसमें भी बहुत तरह के फायदे मिलते हैं। और श्रावण के अंदर में आप भगवान शिव पे अगर शुद्ध जल और बेलपत्र भी अगर आप चढ़ाते हैं तो इसका भी बड़ा महत्व आपके जीवन में मिलेगा। मैं स्पेशल ये कहना चाहूँगा, श्रावण के महीने के ऊपर में भगवान शिव की पूजा करने से बहुत दिनों से जातकों के कुंडली के अंदर में देखिए, या तो चंद्रमा, या तो मंगल, या फिर बुध, या फिर गुरु, या शनि, या शुक्र, या सूर्य अगर खराब चल रहा था और वैवाहिक जीवन में कठिनाई आ रही थी बहुत दिनों से, विवाह में कोई समस्या आ रहा है बहुत दिनों से, तो मैं ये कहना चाहूँगा जो श्रावण का एक ऐसा महीना है जिसमें आप शुद्ध जल और बेलपत्र भगवान शिव जी पे शुभ स्नान करके और शिव परिवार के ऊपर में आप ये चढ़ाते हैं, तो आपकी वैवाहिक जो समस्याएं बहुत दिनों से चल रही थी ये आपकी दूर हो जाएगी और बहुत जल्दी से वो काम आपका सिद्ध होगा। और भगवान शिव की पूजा करने से, बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूँ, जो भगवान शिव की पूजा पाठ करने से 9 ग्रहों की शांति होती है। कारण 9 ग्रहों की जो गुरु है वो भगवान शिव हैं। अगर आप सोमवार के दिन पूजा करने जा रहे हैं और व्रत में भी हैं आप, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, शुद्ध जल लीजिए और बेलपत्र लेकर के भगवान शिवलिंग पे चढ़ाइए और ओम सोम सोमाय नमः बोल करके भगवान शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी आपकी मनोकामना है, निश्चित तौर पर वो मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। अगर आप मंगलवार के दिन पूजा करते हैं तो ओम भौमाय नमः बोल करके भगवान शिव जी पे शुद्ध जल और बेलपत्र चढ़ा दीजिए, मंगल का कोई भी दोष था तो वो आपका मिट जाएगा। अगर आप बुधवार के दिन पूजा करने के लिए जाते हैं तो ओम बुद्धाय नमः बोल करके शुद्ध जल और बेलपत्र चढ़ा दीजिए, आपको बहुत तरह के लाभ मिलेंगे। और अगर मान लीजिए परिवार में इसी तरह से मान लीजिए कभी कोई समस्याएं चल रही थी, तो अगर आप वीरवार के दिन पूजा करने के लिए जाते हैं तो वीरवार के दिन शुद्ध जल और बेलपत्र चढ़ा दीजिए और ओम गुरुवै नमः बोल दीजिए, जिससे आपको ये मंत्र बोलने से आपके घर में क्लेश या कोई समस्याएँ चल रही थी तो वो दूर हो जाएगी।
शुक्रवार के दिन अगर आप पूजा करने के लिए जाते हैं तो ओम शुक्राय नमः बोल करके शिव जी पे शुद्ध जल और बेलपत्र चढ़ा दीजिए। इससे आपका आपके घर में वैभव की प्राप्ति हो गई, लक्ष्मी आएगी, धन में बरकत मिलेगा, काम काज में बहुत तरह के फायदे दिखेंगे आपको। शनिवार के दिन अगर आप शिव जी की पूजा करने जाते हैं तो शनि के गुरु भगवान शिव हैं। शनिवार के दिन अगर आप पूजा करते हैं शिव जी की तो शुद्ध जल और बेलपत्र चढ़ाइए और सम शनिचराय नमः बोल दीजिए शिव जी पे चढ़ा करके। आपके शनि बहुत अनुकूल हो जाएंगे। इस तरह से आप सातों दिन, रविवार के दिन आप जाते हैं तो रविवार के दिन भगवान शिव के नाम लेकर के ओम नमः शिवाय बोल करके शुद्ध जल और बेलपत्र चढ़ा दीजिए। ये सातों दिन चढ़ाने से आपको बहुत तरह के फायदे होंगे। तो श्रावण के महीने में बहुत दिनों से जिनका काम नहीं बन रहा था, चाहे वो वैवाहिक हो, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो नौकरी या व्यवसाय का हो, तो इसमें दिक्कतें चल रही थी, तो एक महीने के लिए जो ये श्रावण का महीना आया है, ये श्रावण का महीना बारहों महीना का एक सार है, बारहों महीना का एक बड़ा महीना माना गया है, बारहों महीने का एक राजा माना गया है। श्रावण के महीने में बहुत हरियाली होती है, बड़ा हरा भरा रहता है, इसलिए श्रावण का बड़ा महत्व माना गया है। तो श्रावण के महीने में शिव की पूजा करने से विशेष तौर पे व्यक्ति के जीवन में बहुत तरह के लाभ मिलते हैं। और मैं ये साथ में ये कहना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, देखिए श्रावण के महीने में आप अगर पूजा पाठ करते हैं तो बड़ी शुद्धता का ध्यान रखिएगा। जो भाई हम सुबह स्नान करके भगवान शिव की पूजा करें और शुद्धता से रहें तो बहुत तरह के हमें फायदे दिखेंगे। और श्रावण के महीने में अगर आप परहेज करते हैं तो ये भी शास्त्र वेद पुराण में लिखा गया है जो श्रावण के महीने में किस चीज़ों का परहेज करना चाहिए। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा जो श्रावण के महीने में सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा जो जातकों को, जो देखिए अगर नॉनवेज वगैरह आप यूज करते हैं, खाते हैं, तो मैं कहूँगा जो एक महीना का समय आपको ये मिला है श्रावण का महीना, इसमें आप नॉनवेज नहीं खाइए, इस चीज़ों का परहेज करिए। अगर ड्रिंक वगैरह करते हैं तो इस चीज़ों का परहेज करिए, क्योंकि इस समय भगवान शिव जी का साक्षात द्वार खुला हुआ है, शिव का द्वार खुला हुआ है। इसमें अगर इस चीज़ों का आप परहेज करते हैं तो आपके लिए बड़े फायदे रहेंगे। और कोई ग्रह अगर आपको बहुत दिनों से तंग कर रहा था तो आप ये परहेज करके चलते हैं श्रावण के महीने में, तो आपको बहुत फायदे मिलेंगे और वो ग्रह भी मजबूत होगा और आपके जीवन में नौकरी व्यवसाय में भी तरक्की मिलेगी। और वैवाहिक जीवन में कोई समस्याएं चल रही थी तो उसमें भी आपका सुधार होगा। ये श्रावण के महीने में आप ध्यान रखिए। देखिए ये जो महीना है बड़ा मधुर महीना है, बड़ा स्वच्छ महीना है, बहुत ही सुंदर महीना है, और श्रावण का महीना है। इसमें सब देवी देवताओं का द्वार खुल जाता है। जब भगवान शिव जी का द्वार खुलता है तो सारे देवी देवताओं को द्वार खुल जाता है। भगवान शिवलिंग के जर में सारे ग्रहों का वास होता है। तो इस महीने अगर आप अपने वाणी पे भी अगर आप ध्यान रखते हैं, अपने वाणी से मधुरता शब्द को प्रयोग करते हैं, मधुर बोलते हैं, तो इससे भी आपके जीवन में बहुत तरह के शांति भी मिलेगी और बहुत तरह के ग्रह गोचर में भी सुधार होगा और जो आपका रुका हुआ काम था वो भी आपका पूरा होगा। तो इसलिए क्रोध से भी बचिएगा और अपने वाणी पे निरंतर ध्यान भी रखिएगा। और देखिए ये श्रावण का महीना है तो श्रावण के महीने में एक चीज़ और विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है, जो आप पूजा पाठ करते हैं और इस महीने में कुछ दान पुण्य भी अगर आप करते हैं तो दान का भी बड़ा महत्व दिया हुआ है। जो भी आपकी श्रद्धा अनुसार अगर आप कुछ दान पुण्य कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत तरह के फायदे होंगे। और देखिए अपने माता और पिता से, अपने परिवार से किसी कारणवश
दूरियां भी अगर बन गई हो तो मैं ये कहना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से वो दूरियां को ख़त्म करके इस श्रावण के महीने में अपने माता पिता के पास जाइए और उनकी भी सेवा करिए, जिससे भी आपके जीवन में बहुत तरह के फायदे आपको होंगे। और मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए श्रावण का महीना चल रहा है तो विशेष तौर पर श्रावण के महीने में आप परहेज करिए। बहुत लोग ऐसे भी करते हैं श्रावण के महीने में, शास्त्र वेद पुराण के अंदर में दिया हुआ है, जो श्रावण के पूरे महीने में एक समय ही भोजन करते हैं, पूरे दिन में या तो रात को या दिन में एक बार ही भोजन लेते हैं, पूरा महीना वो इस व्रत को निभाते हैं। तो ये भी करने से, इस नियम को भी निभाने से श्रावण के महीने में बहुत फायदे होते हैं। और मैं खास तौर पे कहना चाहूँगा मेरे माता एवं बहनों, भाइयों और बहनों को, जो देखिए बहुत दिनों से विवाह का समस्या चल रहा है, रिश्ता आप देखते हैं बात नहीं बन पाती है, रिश्ता बन नहीं पाता है, तो क्या कारण है? या तो गुरु खराब है, या तो शुक्र खराब है, या कोई ग्रह कमजोर है जिसके कारण बहुत दिनों से ये समस्याएँ चल रही है। तो श्रावण के महीने में देखिए, इस बार पाँच श्रावण का सोमवार मिला है, तो अगर पाँचों सोमवार के आप व्रत रहते हैं, व्रत रखते हैं और इस व्रत का विशेष तौर पे आप शुद्धता का ध्यान रखते हैं और भगवान शिव पे जल, फूल, बेलपत्र, दूध, दही, शहद, घी, बूरा इत्यादि अगर आप चढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पे देखिए पाँच सोमवार और शिवरात्रि मिलाकर के छः हो गया। तो ऐसे अगर आप पूजा पाठ करते हैं बड़े ध्यान से और व्रत में रहते हैं तो आपके रिश्ते बन जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और हर सोमवार के दिन चांदी के नाग नागिन को शिवलिंग पे चढ़ा करके और फिर पंचा अमृत उस पे चढ़ा दीजिए, जिससे कि बहुत दिनों से ये रिश्ता रुका हुआ था, नहीं बन रहा था, तो आपका रिश्ता बन जाएगा, जुड़ जाएगा। श्रावण के महीने में शिव की विशेष पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में बहुत तरह के लाभ होते हैं। तो इस तरह से श्रावण के महीने में भगवान शिव की जितना ओम नमः शिवाय मंत्र का अगर आप जाप कर सकते हैं तो जाप करिए, शिव जी का नाम लीजिए, अपने वाणी पे निरंतर ध्यान रखिए और जितना परहेज आप कर सकते हैं श्रावण के महीने में उतना परहेज करिए। इससे आपको बहुत तरह के फायदे होंगे और शिव की पूजा करने से बहुत तरह के श्रावण के महीने में आपके जो दुविधाएं थी वो आपके दुविधाएं दूर हो जाएगी और आपके जीवन में बहुत तरह के सकारात्मक फल मिलेगा। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।